दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि स्वास्थिका जस्ट ट्रेड 2.0 एप्लीकेशन से कैसे स्टॉक को बाई करते हैं, कैसे स्टॉक को सेल करते हैं, कैसे इंट्राडे में आप पोजीशन ले सकते हैं और कैसे आप डिलीवरी में पोजीशन ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जाना है कहाँ, अपने एप्लीकेशन पर जाना है, आईडी पासवर्ड डाल कर उसको ओपन कर लेना है। ठीक है, ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप अपना फंड वगैरह चेक करने के बाद आपको क्या करना है, वॉच लिस्ट पर जाना है। ठीक है, जो आपने वॉच लिस्ट बना रखी है उस वॉच लिस्ट में जाना है आपको। इसके बाद जो भी स्टॉक आपको बाई करना है, लेट्स सपोज मुझे यस बैंक का शेयर बाई करना है, ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि यस बैंक वाले ऑप्शन में मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक नया पॉपअप ओपन हो जाएगा, विंडो ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं एक साइड बाई है, एक साइड सेल है, तो यहीं से आप स्टॉक को बाई भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे मार्केट डेप्थ देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आप मार्केट डेप्थ देख सकते हैं और यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि इसका रेजिस्टेंस कितना है और सपोर्ट लेवल कितना है। ठीक है ना, तो यहाँ से एनालिसिस से आप ये चीज़ें देख सकते हैं। मार्केट में आप ये देख सकते हैं कि किस किस क्वांटिटी में कितनी कितनी बिड डली हुई है, आप ये देख सकते हैं टोटल बायर एंड सेलर की संख्या। और इस ऑप्शन से आप ये देख सकते हैं कि मार्केट ओपन कब कितने में हुआ, ओपन कितने में हुआ, हाई कितना मारा है और अभी प्राइस क्या चल रही है, अपर जाएगा तो कितने की सर्किट लगेगी, लोअर जाएगा तो कितने का सर्किट लगेगा, 52 वीक हाई और 52 वीक लो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इसी तरह से। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं बाई की ओर। तो जैसे ही मैं बाई में क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा आपको। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड कितना, मतलब अमाउंट कितना आपका लग रहा है, अमाउंट आपके पास कितना है, प्रोडक्ट टाइप है, इंट्राडे अगर लेना चाहे तो इंट्राडे में सेलेक्ट करें, अगर आप डिलीवरी में लेना चाहें तो आप डिलीवरी में क्लिक करें। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पे इंट्राडे में पोजिशन अपनी ले रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आता है ऑर्डर टाइप। ऑर्डर टाइप में है एक रेगुलर, एक है SL। ठीक है, अगर आप SL लगाते हैं, लेट सपोज अभी प्राइस चल रहा है 14 रुपये 15 पैसे या 20 पैसे, राइट, और आपको मार्केट में क्या करना है, आपको बाई करना है 15 रुपये से, तो क्वांटिटी आप यहाँ पे क्वांटिटी रहने दें और जो आपका जो प्राइस दिख रहा है ना, ठीक है, प्राइस आपको 15 रुपये रखना है और यहाँ पे आपको ट्रिगर प्राइस में 15 रुपये 5 पैसे आपको डालना है। ठीक है, रिव्यू बाई ऑर्डर करना है, सॉरी, आपको ट्रिगर प्राइस 15 रखना है और यहाँ पे आपको 15 रुपये 5 पैसे का ऑर्डर आपको डालना है, कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, और रिव्यू बाई ऑर्डर में क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे फिर से एक नया विंडो ओपन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वान्टिटी एक, प्रोडक्ट टाइप इंट्राडे, बाई प्राइस है SL की, ट्रिगर प्राइस देखते हैं ऑर्डर SL, और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को ईजिली मिल जाएगी। इसके बाद आप बाई में क्लिक करेंगे, आपकी जो पोजीशन है आप ये देख सकते हैं, ऑर्डर प्लेस हो गया है। अब यहीं से आप ऑर्डर बुक में पोजीशन पे जा सकते हैं, जैसे मुझे जाना है कहाँ पे, ऑर्डर बुक में जाना है, ये मैं देख सकता हूँ। ठीक है, सबसे ऊपर वाला है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे आप ये जो ऑल का ऑप्शन दिख रहा है, ऑल जहाँ पे लिखा हुआ है, बाय एरो का एक निशान बना हुआ है, वहाँ पे आप देख सकते हैं पेंडिंग ऑर्डर दिखाया गया, एग्जीक्यूट, रिजेक्ट, कैंसिल। आप पेंडिंग में क्लिक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं अभी आपका ये ऑर्डर जो है पेंडिंग में डला हुआ है। ठीक है, इसको मैं अभी कैंसिल कर देता हूँ। अच्छा, मॉडिफाई भी आप यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ यस बैंक वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे, यहाँ से आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं भी इसको कैंसिल कर रहा हूँ, इस ऑर्डर को अभी मैं, जो भी मेरी पोजीशन है ये देखिए, ऑर्डर बुक में मैं गया,
मैं पेंडिंग वाले ऑप्शन में जाता हूँ और यहाँ से मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। ओके, ऑर्डर कैंसिल हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर से अपन क्या करेंगे, वॉच लिस्ट पे जाएंगे और जो भी वॉच लिस्ट है, जो भी स्टॉक आपको बाई करना है उसमें आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे, आपके पास विंडो ओपन हो जाएगा, बाई में क्लिक करेंगे। ओके, अब इस बार मैं क्या करूँगा कि जो प्रोडक्ट टाइप है उसको मैं इंट्रा डे रहने दूंगा और जो अपना ऑर्डर है उसको रेगुलर कर दूंगा। ओके, अब रेगुलर में क्या है कि जो प्राइस चल रही है, जैसे 14 रुपये 15 पैसे चल रहा है, अगर मुझे ऑर्डर 14 रुपये से लगाना है, ठीक है, तो मैं रेगुलर ऑर्डर ही प्लेस करूंगा। और अगर मुझे ऊपर से बाई करना है, जैसे मुझे 15 रुपये से बाई करूंगा, तो उस कंडीशन में अपन ये जो ऑर्डर टाइप है उसको SL सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल इसको मैं रेगुलर रहने देता हूँ और क्वांटिटी एक ही रहेगी, मुझे प्लेस करना है ऑर्डर 14 रुपये से, यहाँ पे मैं 14 रुपये रहने दूंगा। ठीक है, अगर आपको करंट मार्केट से लेना है तो सिंपल से इस बॉक्स में आप क्लिक करेंगे, राइट टिक हो जाएगा तो आपका करंट मार्केट से ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। फिलहाल मुझे करंट मार्केट से नहीं लेना है, तो मैं इसको अनचेक कर दूंगा और यहाँ पे प्राइस में डाल दूंगा सिंपल सा 14 रुपये। ठीक है, ये 14 रुपये मैंने डाला। इसके बाद डालने के बाद मैं रिव्यू में क्लिक किया, यहाँ पे आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, क्वांटिटी, प्रोडक्ट टाइप, प्राइस वगैरह, यहाँ पे आपको सब कुछ दिख जाएगा। इसके बाद बाई में आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप बाई में क्लिक करेंगे तो ये आपका ऑर्डर लगने वाला है। थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम है आई थिंक, ये देखिए आपका जो ऑर्डर है वो प्लेस हो गया है। आप फिर से आप क्या करेंगे कि पोजीशन ऑर्डर बुक पे जाएंगे, ऑर्डर बुक पे जाएंगे, आप ऑल में क्लिक करके पेंडिंग में क्लिक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं, ये आपका ऑर्डर जो है वो पेंडिंग है। ठीक है, इसको भी मैं फिर से कैंसिल कर देता हूँ, ये रहा मैंने कैंसिल कर दिया। इसके बाद फिर से मैं होम पे जाऊँगा, वॉच लिस्ट पे जाऊँगा। ठीक है, तो अगर आपको स्टॉक को बाई करना है करंट मार्केट प्राइस से, तो सीधा सा ये बाय एट मार्केट प्राइस में आप क्लिक करेंगे, और अगर आपको जो प्राइस चल रहा है उस प्राइस से ऊपर आपको लेना है, जैसे 14 रुपये 10 पैसे अभी चल रहा है और आपको बाई करना है 15 रुपये से, तो आप SL चूज़ करेंगे। और अगर आपको अगर इस प्राइस से नीचे लेना है, लेट्स सपोज मुझे 14 रुपये से लेना है, तो आपको रेगुलर ऑर्डर ही प्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, सेम कंडीशन डिलीवरी के साथ भी होगी, आपको डिलीवरी में भी सेम कंडीशन रखनी है। डिलीवरी के लिए कोई अलग से वो ऑप्शन नहीं है, आपको डिलीवरी में भी आपको सेम ऑप्शन रखना है। ठीक है, फिलहाल मैं इंट्राडे में सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और क्वांटिटी में एक रखता हूँ और प्राइस में डाल देता हूँ 14 रुपये 10 पैसे। ओके, ठीक है, 14 रुपये 15 पैसे की प्राइस चल रहा है, 14 रुपये 10 पैसे डाल देता हूँ यहाँ पे। और मैं क्या करता हूँ, रिव्यू में क्लिक कर देता हूँ और ये बाई भी मैंने क्लिक किया। ओके, ऑर्डर प्लेस हो गया है मेरा। अब जैसे ही ऑर्डर प्लेस हो जाएगा ना, अगर ऑर्डर आपका लग जाता है तो आपको एक मैसेज के थ्रू आपको भी पता चल जाएगा कि आपका जो पोजीशन है वो लगा है कि नहीं लगा है। ठीक है, मैसेज के थ्रू भी इसमें एक अच्छी फैसिलिटी है कि कोई भी आपकी अगर कोई पोजीशन लगाता है, बाई करता है या सेल करता है, तुरंत आपके पास एक मैसेज आ जाता है, तो उस मैसेज के द्वारा भी आप चेक कर सकते हैं। फिलहाल अभी जो मेरा ऑर्डर है वो पेंडिंग है, क्योंकि 14 रुपये 10 पैसे से नीचे आया नहीं मार्केट। मॉडिफाई कर देता हूँ मैं, आप देख सकते हैं, अभी मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूँ। इसको मॉडिफाई करके मैं 15 पे ले जाता हूँ। जी, मैंने ऑर्डर प्लेस किया और ऑर्डर लगने ही वाला है, आप देख सकते हैं।
ये ऑर्डर प्लेस हो गया मेरा, ठीक है। अब ये देखिए कैसे मेरा स्टॉक अगर बाई होगा ना, मुझे कुछ इस तरह का मैसेज देखने को मिलेगा कि डियर जो भी आपका नाम है ये ऑर्डर नंबर बताएगा, इतने रुपए से आपका बाई हुआ है कम्प्लीटली ऑर्डर वगैरह, ठीक है। तो आपको घबराने की बात नहीं है, ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। अब सीधा सा आप क्या करेंगे, पोजीशन पे आप अपना पोजीशन पे जाएंगे। आप ये देख सकते हैं आपका पोजीशन आपका चल रहा है सिंपल सा। अगर आपको इसको सेल करना है तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है आपको, यस बैंक में क्लिक करना है, आपको डायरेक्टली सेल में क्लिक करना है, ठीक है। सेल में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्वांटिटी है मार्केट से आपको नहीं निकालना है, जिस प्राइस से आपको निकालना है उस प्राइस को आपको यहाँ पे डालना है। जैसे मुझे 14 रुपये 15 पैसे से ही निकालना है, उसमें मैं क्लिक करूँगा और इसके बाद मैं रिव्यू में क्लिक करूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी और इसके बाद मैं सेल में क्लिक कर दूँगा, ठीक है। जैसे मैं सेल में क्लिक करूँगा मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। जैसे ही ये उस प्राइस पे जाएगा आपको फिर से एक आपको फिर से एक उसी तरह का मैसेज आएगा कि आपका सेल हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अभी फ़िलहाल ये सेल नहीं हुआ है, जैसे ये पोजीशन आपकी निकल जाएगी तो आपका ये सेल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप स्वास्तिका जस्टे 2.0 एप्लीकेशन से आप क्या कर सकते हैं, अपना स्टॉक का बाई कर सकते हैं इंट्राडे में डिलीवरी पे, ठीक है, बाई और सेल कर सकते हैं। इसमें आप रिकमेंडेशन भी आती है, आप यहां से आप देख सकते हैं, आप यहां पे आप रिकमेंडेशन भी आपको देखने को मिल जाएगी कि क्या आपको ख़रीदना है क्या नहीं ख़रीदना है। कंपनी की तरफ से सारा चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा टारगेट स्टॉप लॉस के साथ। बस तो यही रहा आज का हमारा वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल साथ बने रहें। थैंक यू।